ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 14 सितंबर के ईश्वर वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम कंट्रोलिंग पावर को इस्तेमाल करें और अपने जीवन को बदलें। हाँ, कंट्रोलिंग पावर का मतलब अगर आप देखें तो एक कार आप चला रहे हैं या एक बाइक चला रहे हैं, उसमें आपने ब्रेक लगे और आपकी ब्रेक थोड़ी दूर जाके लगी, या तो आपकी ब्रेक फटाफट लगी, थोड़ी सी स्किड मारी, कौन से में ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर है, दूर वाली में कि अभी फटाफट लगने में? आप खुद ही सोचिएगा। तो कंट्रोलिंग पावर की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो सिचुएशंस डिसाइड करती हैं कि हमारी कंट्रोलिंग पावर हमारे मतलब कितनी है। और हमेशा हमारे जीवन में टेस्ट आते हैं पता करने के लिए कि हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर किधर तक बढ़ी है और हम कितना जल्दी अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो आज का पूरा वरदान उसके ऊपर ही है कि हम कब तक उस सिचुएशन, कब तक उस इंसान, कब तक हम कंप्लेन, ब्लेम और क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, और हम कितना जल्दी अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, कितना जल्दी अपने आप को नॉर्मल बना लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भवा। तो बिंदु रूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ, कंसेंट्रेटेड फॉर्म हूँ, एंड बिंदु रूप परमात्मा, बाप भी हैं जो परमात्मा भी, वो भी कंसेंट्रेटेड एनर्जी हैं। बस कनेक्शन मेरा उनके साथ में होना चाहिए ताकि मेरे अंदर वो सारी एनर्जीज, वो सारे क्वालिटीज, सारे पावर्स आ जाएं और मैं उस सिचुएशन में उस समय राइट चॉइसेस बना पाऊँ, बिकॉज मैं कनेक्टेड हूँ एक हायर एनर्जी से। पर ये कनेक्शन अगर टूट जाता है तो मेरे डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं। दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। अगर वो कंट्रोलिंग पावर बढ़ानी है तो हर दिन प्रैक्टिस करनी है, और अगर हर दिन प्रैक्टिस करनी है तो हर दिन टेस्ट आने पड़ेंगे, और ये सारे टेस्ट आपके आएंगे, आपके रिलेशनशिप से आएंगे, आपके काम करने वाली जगह पे आएंगे, आपके बिजनेस में आएंगे सारे टेस्ट, और इन टेस्ट को पार करना हमारे ऊपर है कि हम कब तक उनको कंट्रोल देते हैं और कब तक हम अपने कंट्रोल में अपने मूड को लेते हैं। वह दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। तो उनका रिएक्शन और एक्शन ऐसा होता है जिससे कि वो किसी और को कंट्रोल ना कर रहे हों, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। कुछ गलत अगर हो गया हो, कुछ गलत सिचुएशन क्रिएट कर दी हो, या गलत एक गलत फहमी क्रिएट कर दी हो, या गलत रिएक्शन कर दिया हो, तो उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो फटाफट उस चीज़ को चेंज करते हैं। या तो आप उसके लिए एक दिन लगा लो, एक हफ्ता लगा लो, एक महीना लगा लो, एक साल लगा दो, उस सिचुएशन को वैसे ही छोड़ दो आप, ईगो के कारण, रिवेंज लेने के कारण, बदला लेने की भावना के कारण, या उस इंसान को झुकाने की भावना रखने के कारण कि जब तक वो इंसान नहीं झुकेगा मैं नहीं झुकूंगा। तो आप वो एनर्जी को बार बार आप भेज रहे हो वहाँ पर, आपका कंसंट्रेशन पावर खत्म हो रहा है, वो एनर्जी वहाँ जा रही है। आप बोलोगे नहीं, मैं तो उसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मैं तो सोचती हूँ उसके बारे में। आई एम सॉरी टू से, परमात्मा कहते हैं कि आप एक समय के बाद भूल जाते हो, लेकिन आपकी जो एनर्जीज होती हैं, जो प्योर एनर्जीज होती हैं, वो वहाँ पर ट्रांसफर हो रही हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में वो एनर्जीज चाहिए अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में हर चीज़ को ठीक रखने के लिए, आपकी सेहत को ठीक रखने के लिए, आपके फाइनेंसेस को ठीक रखने के लिए। लेकिन अगर आपने वो एनर्जीज डाइल्यूट कर दी तो आपके पास में कंसंट्रेटेड एनर्जी कम होती है, और आपको पता है ना, कंसंट्रेटेड जब एनर्जी होती है, या कंसंट्रेटेड अगर एसिड होता है तो काम ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट। तो आपको कंसंट्रेटेड एनर्जी चाहिए, ना कि आपकी एक एनर्जी किसी और व्यक्ति के पास जा रही हो, एक एनर्जी किसी और व्यक्ति के पास जा रही हो, एक एनर्जी किसी और व्यक्ति के पास जा रही हो, और तीनों सिचुएशन में या तो कहीं किसी से रिवेंज लेना है, या तो किसी को ठीक कर देना है, या किसी को सुना देना है, ये भावनाएं रखी हो अगर आपने, ये फुल स्टॉप नहीं हुआ, इसका मतलब गाड़ी गलत रास्ते पे चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है, और कंट्रोल करने की पावर नहीं है और ब्रेक भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं, वह दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं कि नहीं, मुझे अपनी पावर वापस लेनी है, मुझे घड़ी घड़ी उस व्यक्ति के बारे में सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए अगर मैं चाहूँ तो अभी मैं सॉरी बोल दूँ, अभी मैं हम्बल हो जाऊँ, नम्र हो जाऊँ, मेरा क्या जाता है, मैंने बस अपनी एनर्जीज वापस ले ली, मैंने जैसे ही सॉरी बोला मेरी एनर्जीज वापस आ गई, वो व्यक्ति चाहे सॉरी का रिप्लाई दे ना दे, चाहे माफ़ करे ना करे, लेकिन मैंने अपनी एनर्जीज को साफ कर दिया। अब मेरी सोच बार बार नहीं जा रही वहाँ पर कि मैंने सॉरी बोला, मेरे पास में उन्होंने माफ़ किया कि नहीं किया, ये भी नहीं सोचना है। आपने सॉरी बोल दिया, आपने अपनी एनर्जीज क्लियर कर दी, आपकी एनर्जीज वहाँ पे जा रही नहीं, कंसंट्रेट वापस हो गई आपकी एनर्जीज। नेक्स्ट, उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहते कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही हमेशा सॉरी बोलना है,
मुझे ही मरना पड़ेगा, मेरे को अपनी ईगो को मारना पड़ेगा, मुझे अपनी रिवेंज लेने की जो भावना आ रही है उसको खत्म करना पड़ेगा, मुझे उसको सुनाना चाहिए था, आप बोलते सुनाना नहीं चाहिए तुम्हें, मैं कब तक सुनूं, कब तक सहन करूं। समर्थ आत्मा सभी समर्थ आत्मा यही समझती है कि यह मरना नहीं लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये आप इसके हिसाब से डिसाइड करें। और ये कला सिखाई जाती है ब्रह्मा कुमारीज में। इसके साथ ओम शांति।